Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss some another topic of the subject data warehouse and data mining. So these are the outlines of today's lecture. We are going to discuss about the multidimensional data model, how multidimensional data model will be represented by a data cube, what are the types of multidimensional data model, what is a schema, how fact table and dimension table is represent a schema. Then what is the star schema, snowflake schema, fact constellation schema, and finally we have some discussion about the difference between star schema and snowflake schema. Okay, let's start with multidimensional data model. Here's the definition of multidimensional data model that is designed specifically to support data analysis. Data warehouse and OLAP tool are based on multidimensional data model. And this model is fused data in a form of data cube. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं और वो डेटा कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन में होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो ये टेबल जो है वो कई तरीके से बाइफरकेट होकर के बनी हुई है. पहला, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाइफरकेट किया गया है, गुड़गांव, न्यू दिल्ली एंड मुंबई. आइटम के रिस्पेक्ट में भी इसे बाइफरकेट किया गया है, माउस, मोबाइल और मोडम. और ये सारे बाइफरकेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हुए हैं, जहां टाइम Q1, Q2, Q3 और Q4 है. यहाँ Q1, Q2, Q3 और Q4 जो है वो बेसिकली क्वार्टर्स को शो कर रहा है, यानी हर तीन तीन महीने पे वो डेटा को एनालाइज कर रहा है लोकेशन वाइज और आइटम वाइज. और ये कह रहा है कि सपोज गुड़गांव की लोकेशन पे हमारा जो आइटम माउस है वो क्वार्टर वन में कितना सोल्ड आउट हुआ, यानी 788 माउस सोल्ड आउट हुए किसमें, क्वार्टर वन में. मान लीजिए इसी डेटा को एनालाइज करना है, इस टेबल को एनालाइज करना है, और कोई क्वेरी आके कहता है, कोई कहता है ये बात कि हमें 2013 के क्वार्टर थ्री का लोकेशन मुंबई का मोबाइल की सोल्ड आउट वैल्यू को बताइए कि 2013 में क्वार्टर थ्री में मुंबई की लोकेशन में कितने मोबाइल जो है वो सोल्ड आउट हुए. यानी अब आप देखेंगे कि इस टेबल से जो भी डेटा रिट्रीव हो रहा है उसमें कई सारे क्लॉजेस हैं. पहला क्लॉज क्या है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, मुंबई होना चाहिए. आइटम क्या होना चाहिए, वो मोबाइल होना चाहिए. ईयर कौन सा होना चाहिए, वो 2013 होना चाहिए. और 2013 में भी किस क्वार्टर की वो बात कर रहा है, क्वार्टर थ्री की बात कर रहा है, यानी हम जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर की बात कर रहे हैं. अगर इस तरीके की टेबल रहेगी तो हम ये देख सकते हैं कि इससे डेटा को रिट्रीव करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है. अगर हम इस डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें जिससे ये दिखने में भी आसान हो जाए और उससे डेटा का रिट्रीवल भी क्या हो वो भी काफी अच्छी तरीके से हो पाए, तो अगर इस तरीके की कॉम्प्लेक्स टेबल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हम एक थ्योरी अप्लाई करते हैं और इस टेबल को मल्टी डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल जो है वो 2D के फॉर्म में होती है. अगर हम 2D टेबल को 3D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इसी टेबल को हम क्या करते हैं, डेटा क्यूब में रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने उसी टेबल को एक सिंपल डेटा क्यूबिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर में हमने रिप्रेजेंट किया, जहां पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इस टाइम के रिस्पेक्ट में है, ये लोकेशन के रिस्पेक्ट में है और ये आइटम के रिस्पेक्ट में है. अब उसी टेबल को हम इस क्यूबिकल फॉर्म में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने कहा कि 2017 का न्यू दिल्ली का मोबाइल का क्वार्टर थ्री का जो है वो कितना सोल्ड आउट था, तो हम यहाँ पे उसको एक ही व्यू में बता सकते हैं कि वहां पे 875 आइटम जो है वो क्या हुए, सोल्ड आउट हुए क्वार्टर थ्री में 2017 में, किस लोकेशन पे, मुंबई की लोकेशन पे. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स टेबल को अगर हम 3D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल कहलाता है. और डेटा क्यूब क्या होता है, डेटा क्यूब ये होता है कि मल्टी डायमेंशनल टेबल को अगर हम क्यूबिकल स्ट्रक्चर में 3D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो डेटा क्या हो, अच्छी तरीके से एनालाइज हो सके और उसको एनालाइज करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो वही चीज क्या कहलाती है, डेटा क्यूब कहलाती है. बात करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल की. सो हियर वी कैन सी दैट मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हैविंग थ्री स्ट्रक्चर्स लाइक स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड
एक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्कीमा, देन डेफिनेशन ऑफ स्कीमा इज सिंपल एज यू ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस पेपर्स लाइक डीबीएमएस। सो स्कीमा इज नथिंग बट द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर डेटा बेस। अगर हम डेटा वेयर हाउस की बात करें तो स्कीमा की डेफिनेशन थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, और वो इनहेंस होकर के क्या होती है कि अगर हम डेटा वेयर हाउस में स्कीमा को स्टडी करें तो वहां पर स्कीमा तीन तरीके से रिप्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। इन तीनों स्कीमास को अगर हम देखें तो इसमें एक चीज आएगी और वो आएगी फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के डेफिनेशन को समझने से पहले हम इस फिगर को देखते हैं और आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं कि मान लीजिए हमें प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ टेबल्स को क्या करना है, बनाना है। तो मान लीजिए अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो एक फैक्ट टेबल हमारे पास प्लेसमेंट की बनी। प्लेसमेंट में कौन कौन से कीज हो सकते हैं, एक स्टूडेंट की हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट स्टूडेंट का होगा। कंपनी एक की हो सकती है, हम ये देख सकते हैं कि प्लेसमेंट में कौन सी कंपनी आ रही है। टीपीओ एक की हो सकता है और टीचर भी एक की हो सकता है। यानी फैक्ट टेबल इज नथिंग बट अ मास्टर टेबल हैविंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्टिविटीज लाइक प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे फैक्ट टेबल में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्ट टेबल दो तरीके से बनी है। पहली चीज तो है की, इसको हम फॉरेन की भी बोलते हैं और वो भी कैसे आगे यूज होगी वो हम आपको दिखाएंगे, फॉरेन की। और फैक्ट टेबल का खुद का भी कुछ अपना क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है। ये जो भी की है अपने आप में कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को होल्ड करेंगी, यानी स्टूडेंट की है तो उसका कुछ अपना एट्रीब्यूट होगा, कंपनी की है तो उसका अपना कुछ एट्रीब्यूट होगा, ऐसे टीचर और टीपीओ का भी अपना अपना कुछ एट्रीब्यूट होगा। यानी फैक्ट टेबल की जो कीज हैं अगर उसका एक्सपेंशन हम करते हैं की के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो की का एक्सपेंशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशन टेबल कहलाता है। यानी फैक्ट टेबल से ही इन्फ्लुएंस होकर के क्या बनती है, डायमेंशन टेबल बनती है। यानी अगर फैक्ट टेबल की जो भी कीज है वो अपने एट्रीब्यूट को क्या कर रही है, शो करा रही है, तो वो किस में कराएंगी, वो डायमेंशन टेबल में कराएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की जो है उसकी खुद की अपनी डायमेंशन टेबल है, और वो डायमेंशन टेबल बेसिकली क्या शो करा रही है, उस स्टूडेंट की जो अलग अलग एट्रीब्यूट है लाइक नेम, ब्रांच एंड ईओ। ऐसे ही अगर हम बात करें टीपीओ की तो टीपीओ का खुद का अपना एक एट्रीब्यूट होगा, टीपीओ का कोई नाम होगा, टीपीओ की एज होगी, उसकी डिग्री क्या है ये भी दिखाई देगा उसमें। यानी हम देख सकते हैं कि फैक्ट टेबल इज नथिंग बट अ मास्टर टेबल। मास्टर टेबल क्यों है, क्योंकि मान लीजिए अगर मास्टर टेबल में कई सारे रिकॉर्ड्स हैं और किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमें उस रिकॉर्ड को क्या करना है, फेच करना है, हमें रिट्रीव करना है कुछ, तो रिट्रीव होने के बाद जो भी टेबल निकल करके आए उसमें जो भी मॉडिफिकेशन हो उसका इफेक्ट जो है वो मास्टर टेबल पे ना हो, मास्टर टेबल एज इट इज क्या रहे, वो वैसे की वैसे ही बनी रहे। यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि अगर फैक्ट टेबल में फॉरेन की यानी ये सारी कीज जो है वो हो और एट्रीब्यूट उसके ना हो तो ऐसी फैक्ट टेबल को हम फैक्टलेस टेबल बोलते हैं। और अगर फैक्ट टेबल में कीज जिसको फॉरेन की से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वो कीज और उसके एट्रीब्यूट्स हो तो इसको हम फॉरेन की बोलेंगे, और इन एट्रीब्यूट्स को हम कहीं कहीं मीजर भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्ट टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मास्टर टेबल, टिपिकली हैव टू टाइप्स ऑफ कॉलम्स, फॉरेन की टू डायमेंशन टेबल एंड मेजर दोज दैट कंटेन न्यूमेरिक फैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेन की जो कि डायमेंशन टेबल को रिप्रेजेंट करेंगी और उसके खुद के जो एट्रीब्यूट फैक्ट टेबल के रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अ फैक्ट टेबल कैन कंटेन फैक्ट डेटा ऑन डिटेल और एग्रीगेट लेवल। जैसा कि हमने बताया कि फैक्ट टेबल जो है वो मास्टर टेबल होती है, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड रिलेटेड होते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट से वो सारे के सारे रिकॉर्ड रहते हैं, और यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, चेंज करता है, लेकिन उस मास्टर टेबल यानी फैक्ट टेबल में कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम बात करें डायमेंशन टेबल की, सो हियर द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल इज अ स्ट्रक्चर यूजली कंपोज of one or more hierarchical that categorize data
इफ अ डायमेंशन हैजंट गॉट अ हायरार्की एंड लेवल इट इज कॉल्ड फ्लैट डायमेंशन ऑफ लिस्ट। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, मान लीजिए डायमेंशन टेबल जो कि फैक्ट टेबल के की से रिलेट होकर के बनी है, अगर उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या कहलाएगी, वो फ्लैट डायमेंशन टेबल या सिर्फ सिंपल सी लिस्ट कहलाएगी। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि मान लीजिए अगर स्टूडेंट की का कोई अपना एट्रीब्यूट नहीं है या कोई ऐसी फॉरेन की है जिसका खुद का एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे कि फैक्ट टेबल में हमने बताया था कि अगर फैक्ट टेबल का अपना एट्रीब्यूट नहीं है तो फैक्टलेस टेबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर डायमेंशन टेबल की बात करें तो डायमेंशन टेबल में अगर कोई की नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैट डायमेंशन या लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज कह रहा है, अ प्राइमरी की ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशन टेबल आर पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ अ फैक्ट टेबल, डायमेंशन एट्रीब्यूट हेल्प टू डिस्क्राइब द डायमेंशन वैल्यू। कह रहा है कि डायमेंशन टेबल जो है वो जो भी उसके एट्रीब्यूट है वो इसलिए उसको एक्सपेंड किया गया है ताकि उसको अच्छी तरीके से हम क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। चलिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार स्कीमा। हियर फर्स्ट वी लुक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार स्कीमा। द स्टार स्कीमा आर्किटेक्चर इज द सिंपलेस्ट डेटा वेयर हाउस स्कीमा। इट इज कॉल्ड स्टार स्कीमा बिकॉज द डायग्राम रिसेंबल्स अ स्टार विद पॉइंट रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंटर। द सेंटर ऑफ द स्टार कंसिस्ट ऑफ फैक्ट टेबल एंड द पॉइंट ऑफ द स्टार आर द डायमेंशन टेबल। यूजली द फैक्ट टेबल इज अ स्टार स्कीमा आर इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म वेयर एज डायमेंशन टेबल आर इज डी नॉर्मलाइज। आगे ये क्या होता है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट टेबल दैट द स्टार स्कीमा इज द सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज नाउअडेज एंड इट इज रिकमेंडेड बाई ओरेकल। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले हम एक स्टार स्कीमा की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट टेबल है सेल्स नाम की, जिसकी कुछ फॉरेन की है। पहली फॉरेन की कौन सी है, आइटम के रिस्पेक्ट में, दूसरी टाइम के रिस्पेक्ट में, तीसरी ब्रांच के रिस्पेक्ट में और चौथी लोकेशन के रिस्पेक्ट में। अब ये अलग अलग की जो है वो अपने आप में रिप्रेजेंट होंगी किससे, डायमेंशन टेबल के फॉर्म में, यानी इनके खुद के एट्रीब्यूट होंगे और खुद के एट्रीब्यूट को इनको शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन टेबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आइटम का डायमेंशन टेबल यहाँ देख सकते हैं, आइटम का कुछ आईडी होगा, कुछ डे होंगे, मंथ होंगे, क्वार्टर्स होंगे और ईयर होंगे। ऐसे अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में क्या होगा, लोकेशन की कोई आईडी होगी, नेम होगा उसका, स्टेट होगा, वहां का कुछ पिन कोड होगा। एक चीज यहाँ पे गौर करने की बात है कि फैक्ट टेबल जो होती है वो यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है, लेकिन डायमेंशन टेबल यहाँ पे डी नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है। अब अगर कोई भी चीज डी नॉर्मलाइज है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो स्पेस ज्यादा लेंगी। इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार स्कीमा में कुछ चेंजेस करते हैं। और स्टार स्कीमा कब स्नोफ्लैक स्कीमा बन जाता है इसको हम आगे देखेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले, तो कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है एकदम सिंपल होता है। इसमें जो क्वेरी जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि ये छोटी होती है तो इसलिए इसमें क्वेरी जो डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्वेरी लगाई जाती है वो काफी सिंपल सी होती है। इसमें लिखा है रिलेटिवली लॉन्ग टाइम ऑफ लोडिंग डेटा इनटू डायमेंशन टेबल। यस, अगर फैक्ट टेबल में कई सारी फॉरेन की हो जाएंगी तो उसको लोड कराने में डायमेंशन टेबल में ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज इन डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन, स्टार स्कीमा जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। अगर हम स्नोफ्लैक स्कीमा की बात करें तो वहां पे हमने देखा था स्टार स्कीमा में कि एक प्रॉब्लम थी कि वहां पे जो टेबल थी वो डी नॉर्मलाइज फॉर्म में थी। अगर उसको डी नॉर्मलाइज फॉर्म से नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना है तो हम स्नोफ्लैक स्कीमा का यूज करते हैं। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ स्नोफ्लैक स्कीमा। स्नोफ्लैक स्कीमा आर्किटेक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द स्टार स्कीमा यूज्ड इन अ डेटा वेयरहाउस। और वो कैसे कॉम्प्लेक्स अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। बिकॉज द टेबल विच डिस्क्राइब द डायमेंशन आर नॉर्मलाइज इन स्नोफ्लैक स्कीमा। द डायमेंशन टेबल हैव देयर ओन डायमेंशन टेबल, ओनली डायमेंशन टेबल कैन बी स्प्लिट नॉट फैक्ट टेबल, रिडंडेंसी एंड स्पेस आर रिड्यूस्ड बिकॉज द नॉर्मलाइज टेबल। यहाँ पे हम स्नोफ्लैक स्कीमा का एक फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स नाम की एक फैक्ट टेबल बनी हुई है,
जिसके अंदर कुछ कीज हैं, टाइम की, आइटम की, ब्रांच की, लोकेशन की, और ये फैक्ट टेबल के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम मेजर्स बोलते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की फर्दर अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन की। सेम एज इट इज फिगर आपको दिख रहा है स्टाइल स्कीमा की तरह, बस यहाँ पे एक अंतर है कि यहाँ पे जो डायमेंशन टेबल है उसकी खुद की भी क्या हो सकती है, एक अपनी डायमेंशन टेबल हो सकती है। ये चीज स्टाइल स्कीमा में आपको नहीं देखने को मिला था, वहां पे सिर्फ फैक्ट टेबल थी और फैक्ट टेबल से रिलेटेड कुछ डायमेंशन टेबल थी, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन टेबल का अपना भी कुछ फॉरेन की होता है। जैसे अगर हम बात करें आइटम की तो आइटम की में एक सप्लायर की होगी फॉरेन की, इस डायमेंशन टेबल की खुद की एक फॉरेन की होगी, और वो फॉरेन की फर्दर क्या होगी, स्प्लिट होगी डायमेंशन टेबल। यानी यहाँ पे कहने का मतलब डायमेंशन टेबल की भी डायमेंशन टेबल हो सकती है, और यहाँ पे फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल दोनों नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है। अगर वो नॉर्मलाइज फॉर्म में है इसका मतलब कि उसमें रिडंडेंसी नहीं है, उसमें क्वेरी एनालिसिस करने में काफी सही रहेगा, काफी आसानी तरीके से हम जो है क्वेरी को एनालाइज कर लेंगे। बात करते हैं फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा की। तो फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा में आप ये समझिए कि फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा जो है वो स्टार और स्नोफ्लेक्स का कॉम्बिनेशन है। हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द फैक्ट कॉन्स्टेलेशन आर्किटेक्चर कंटेन मल्टीपल फैक्ट टेबल दैट शेयर मेनी डायमेंशन टेबल। यानी अभी तक आपने स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक्स स्कीमा में सिर्फ एक फैक्ट टेबल देखी थी, स्टार में एक फैक्ट टेबल देखी थी उसके कई सारे डायमेंशन टेबल थे, स्नोफ्लेक्स में एक फैक्ट टेबल थी उसके कई सारे डायमेंशन थे, डायमेंशनल टेबल थी, और उन डायमेंशनल टेबल का भी अपना क्या था, अलग अलग डायमेंशन टेबल सकता था। अब फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा की बात करें तो फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा में ये बोल रहा है कि मल्टीपल फैक्ट टेबल हो सकती है, यानी दो या दो से ज्यादा फैक्ट टेबल इसमें हो सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलेक्सी स्कीमा विच इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा। हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरीके की फैक्ट टेबल आपको दिख रही है, एक फैक्ट टेबल प्लेसमेंट नाम की है, एक फैक्ट टेबल वर्कशॉप नाम की है। इस प्लेसमेंट फैक्ट टेबल के कुछ फॉरेन कीज या कुछ कीज हैं स्टूडेंट रोल नंबर, कंपनी आईडी और टीपीओ आईडी के नाम से। इसके अपने भी कुछ डायमेंशन टेबल हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड, जैसे कंपनी का अलग डायमेंशन टेबल है, उसका अपना एक डायमेंशन टेबल स्टूडेंट नाम का है, एक टीपीओ नाम का है। एक दूसरी फैक्ट टेबल है वर्कशॉप नाम की, और आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि वर्कशॉप की अपनी डायमेंशन टेबल तो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम की, लेकिन उसकी कुछ डायमेंशन टेबल जो है वो प्लेसमेंट की डायमेंशन टेबल से कॉमन है। यानी स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट आईडी की बात करें तो स्टूडेंट आईडी की यहाँ पे भी है, स्टूडेंट रोल नंबर की और स्टूडेंट रोल नंबर की यहाँ पे भी है, और इनके बीच में जो शेयरेबल डायमेंशन टेबल है वो ये है और ये है। यानी कोई भी दो या दो से ज्यादा फैक्ट टेबल अपनी अपनी डायमेंशन टेबल को क्या करती हैं, शेयर कर लेती हैं फैक्ट कॉन्स्टेलेशन टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्ट टेबल प्लेसमेंट नाम की जो है और फैक्ट टेबल वर्कशॉप नाम की जो है उनके बीच में दो डायमेंशन टेबल है स्टूडेंट की और टीपीओ की, और वो दोनों क्या कर रही है आपस में शेयर कर ले रही है। उनके खुद के अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछने को मिल जाएगा कि आपको एक कॉलेज की फैक्ट टेबल बनानी है, स्टार स्कीमा बनानी है आपको, और उसमें ये रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो अब आपको अगर कहा जाए कि आपको एक टेबल बनानी है फैक्ट, आपको एक फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा बनाना है, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा की बात कर रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक फैक्ट टेबल की बात कर रहे हैं, और उस फैक्ट टेबल में कुछ कॉमन डायमेंशन टेबल ऐसी होंगी जो दोनों फैक्ट टेबल आपस में क्या करेंगी, शेयर कर रही होंगी। ठीक है, तो द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बिकॉज मेनी वेरिएंट ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्रीगेशन मस्ट बी कंसीडर्ड एंड सेलेक्टेड, मोर ओवर डायमेंशन टेबल आर स्टिल लार्ज। यानी यहाँ पे कह रहा है कि आप मल्टीपल डायमेंशन टेबल को तो शेयर कर सकते हैं, उनकी खुद की भी डायमेंशन टेबल हो सकती है, यानी ये जो टोटल फिगर आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा बन सकता है। बात करते हैं स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक्स स्कीमा में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें
तो स्नोफ्लेक स्कीमा में कह रहा है कि रिडंडेंसी नहीं होती है, इसलिए स्नोफ्लेक स्कीमा जो है वो आसानी से मेंटेन हो सकती है। वेयर एज स्टार स्कीमा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टार स्कीमा जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होती है, इसका मतलब उसके मेंटेनेंस में क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रहेगा। इजी टू यूज की अगर बात करें तो स्नोफ्लेक स्कीमा यूज करने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन टेबल की भी डायमेंशन टेबल होती है, यानी टेबल क्या हो रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, और अगर टेबल ज्यादा ज्यादा एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, उसको यूज करना जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर स्टार स्कीमा की बात करें तो उसमें सिर्फ डायमेंशन टेबल और फ्लैग टेबल की बात होती है, उसमें डायमेंशन टेबल का अपना कोई डायमेंशन टेबल नहीं होता, इसलिए उसको यूज करना आसान होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है मोर फॉरेन कीज एंड हेंस लॉन्गर क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी फ्लैग टेबल में जितनी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन की होंगी उसके उतने ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन टेबल बनेंगे, और जितनी ज्यादा डायमेंशन टेबल बनेगी उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, उतनी लो होती जाएगी। इसलिए स्टार स्कीमा में सिर्फ फॉरेन की से रिलेटेड डायमेंशन होते हैं, इसलिए उसको उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, थोड़ी सी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू स्नोफ्लेक स्कीमा। टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस में हम बात करें तो इसमें लिखा है गुड टू यूज फॉर डेटा वेयर हाउस, कोर टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, गुड टू डेटा मार्ट विथ सिंपल रिलेशनशिप 1:1 और 1:many। हम अगर स्नोफ्लेक्स स्कीमा की बात करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डेटा वेयर हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सिंप्लेक्स रिलेशनशिप को शो कर देगा, लेकिन अगर हम स्टार स्कीमा की बात करें तो वहां पे डेटा मार्ट का कॉन्सेप्ट आता है, और डेटा मार्ट जैसा कि आप जानते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा की ग्रुपिंग को भी हम डेटा मार्ट बोलते हैं, जिनके बीच में वो रिलेशनशिप 1:1 और 1:many को शो कराएगा। ग्राइंड डायमेंशन टेबल में हायर नंबर ऑफ ज्वाइंस होते हैं, इसमें कुछ ज्वाइंस होते हैं। When to use, कब उसे यूज कर सकते हैं, when dimension table is relatively big in size, snowflaking is better than it reduce spaces. हम जब भी snowflake schema के उसको space को reduce करने के लिए हम उसको अगर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से use कर सकते हैं उसको, जब dimension table काफी बड़ी हो जाती है। और इसको कब हम use करते हैं, जब हमारी dimension table और फ्लैग कॉन्स्टेलेशन हमारा छोटा रहता है, यानी डायमेंशन टेबल का डायमेंशन टेबल अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको यूज करने में आसानी रहेगी। नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन, जैसे हमने आपको बताया कि स्नोफ्लेक्स स्कीमा में क्या होता है, फ्लैग टेबल और डायमेंशन टेबल दोनों ही नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वो डायमेंशन टेबल एंड फ्लैग टेबल आर डीनॉर्मलाइज, यहाँ पे फ्लैग टेबल और डायमेंशन टेबल दोनों डीनॉर्मलाइज फॉर्म में होती है। डेटा मॉडल की बात करें तो ये बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है और ये टॉप डाउन अप्रोच का यूज करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आस्क मी इन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज मेंशन ओवर हियर, यू कैन ऑल्सो मेल मी एट rohitmishra.academy@gmail.com। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।